अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मजेदार मटन सिंधी बिरयानी बनाने की रेसिपी। बिरयानी बनाने के लिए हम सेला चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं। चावलों को अच्छे तरीके से धो लें और फिर इनको 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दें। अब हम तैयार करेंगे बिरयानी का मसाला। इसके लिए हमने ली है सौंफ, छोटी इलायची, जायफल जावित्री, जीरा, साबुत धनिया, तेजपात, दालचीनी, काली मिर्च और साबुत लाल मिर्च। अब इन तमाम साबुत मसालों को फ्राइंग पैन या तवे पर डाल के अच्छा सा भून लेंगे। जब ये लाइट ब्राउन से हो जाएंगे और अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे। इसका अच्छा सा पाउडर फॉर्म कर लेंगे। ये हमारा बिरयानी मसाला तैयार हो गया है। अब हम एक पतीली में या कुकर में तेल गरम कर लेंगे और एक प्याज को बारीक काट के तेल में फ्राई कर लेंगे। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन डाल के अच्छे तरीके से भून लें। जब खुशबू आने लगे तो हम इसमें शामिल करेंगे गोश्त। हम मटन डाल रहे हैं, आप चाहें तो बीफ या चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोश्त डाल के इसको 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करें। अब हम इसमें तमाम मसाले शामिल करेंगे। हम डाल रहे हैं इसमें नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और बिरयानी का जो मसाला हमने तैयार किया था वो भी हम इसमें डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा मिर्चें खाना पसंद है तो आप इसमें लाल मिर्च ज़्यादा डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तमाम मसालों को अच्छा सा भून लें, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। अब हम इसमें शामिल करेंगे कटे हुए टमाटर। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब पानी डाल के गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। इसको ढक के पकने के लिए रख दें। जब गोश्त गल जाएगा तो हम इसके अंदर डालेंगे कटे हुए आलू, आलू बुखारा और दही। सिंधी बिरयानी में आलू बुखारा और आलू ज़रूर डलते हैं, उनके बगैर बिरयानी का टेस्ट बिल्कुल मज़े का नहीं लगता। इन तमाम चीज़ों को डाल के बिल्कुल हल्की आंच पे पकने के लिए रख दें। जब आलू गल जाएंगे और पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो हमारा मसाला रेडी हो जाएगा। अब हम चावलों को उबाल लेंगे। हमने चावलों को 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब हम इसको उबलने के लिए रख देंगे। इसमें हम डालेंगे दालचीनी के टुकड़े, तेजपात और जीरा। अब हम इसमें डालेंगे 2 चमचे सिरका। सिरका डालने से चावल जो हैं वो बहुत खिले खिले रहते हैं और टूटते नहीं हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। चावलों को जब उबाल आ जाएगा और एक कनी रह जाएंगे तो हम इसको छान लेंगे। ये हमारा मसाला भी तैयार हो गया है। आलू अच्छे से गल गए हैं। अब हम एक पतीली में नीचे चावलों की एक तह लगाएंगे और उस पे हम 1/2 कप तेल डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे गोश्त और आलू का जो मसाला हमने तैयार किया था उसकी एक अच्छी सी तह लगा देंगे। इसको अच्छे से स्प्रेड कर लें। अब हम इसके ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्चों की एक लेयर लगाएंगे और इसके ऊपर एक और चावलों की तह लगाएंगे। चावलों को अच्छे से चमचे की मदद से स्प्रेड कर दें पूरा
और अच्छी सी तह बना लें। अब हम इसके ऊपर फूड कलर डालेंगे ताकि इसकी बहुत अच्छी सी शक्ल आ जाए। फूड कलर को पानी में घोल लें और उसको चावलों के ऊपर डाल दें। अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। हमारी बिरयानी जो है वो तैयार हो गई है। बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है। इसको अच्छा सा मिक्स कर लें ताकि मसाला जो है वो चावलों में अच्छा सा मिक्स हो जाए। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है। अपने खास मेहमानों के लिए खास मौकों के पर आप ये बिरयानी बनाएं और बहुत सारी तारीफें बटोरें। आज संडे है तो आप लोग हमारी बिरयानी की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मज़ीद मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।